वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल। न्यूनतम 5 वर्षों तक बीमाकृत व्यक्ति बने रहने के बाद सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश लेने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर बीमा योग्य रोजगार छोड़ने की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति व उसके जीवन साथी को ईएसआईसी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरी में वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने की विधि। इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में अपने पहचान पत्र, बीमा योग्य रोजगार से संबंधित प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र के साथ ईएसआईसी शाखा कार्यालय में जाकर ₹120 वार्षिक आधार पर भुगतान करना चाहिए। ईएसआईसी से मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता। रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर रोजगार चोट या कंपनी प्रतिष्ठान के बंद होने या छंटनी या 40% या उससे अधिक की स्थायी निशक्तता के कारण यदि बीमाकृत व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं तो उन्हें 24 माह की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते का मासिक भुगतान किया जाता है। इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति को रोजगार की अनैच्छिक हानि होने से 2 वर्ष पूर्व तक प्रत्येक अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान किया गया होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की विधि। बेरोजगार होने पर बीमाकृत व्यक्ति निर्धारित फॉर्म भरकर अपने परिचय पत्र व बीमा योग्य रोजगार से संबंधित प्रमाण पत्र तथा स्थायी निशक्तता के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ ईएसआईसी के शाखा कार्यालय में जमा करें। क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय कार्यालय ईएसआईसी से प्राप्त स्वीकृति पत्र पर शाखा प्रबंधक ईएसआईसी द्वारा दावे संबंधी कार्रवाई की जाती है तथा 0 से 12 महीने के लिए औसत मजदूरी के 50% एवं 13 से 24 महीने के लिए औसत मजदूरी के 25% की दर से भुगतान कर दिया जाता है। जानने योग्य बातें। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे व्यक्ति स्वयं व अपने आश्रित जनों के लिए चिकित्सा देखरेख भी ईएसआई डिस्पेंसरी या अस्पतालों या आईएमपी क्लिनिकों से प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते के दौरान बीमाकृत व्यक्ति कौशल उन्नयन के लिए 1 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं।